हमेशा ऐसी फिल्मों को बनाने में एक तरह का डर हमेशा बना रहता है। ऐसी फिल्में किसी किरदार के जीवन का कुछ पलों को ही छूती हैं, फिसलने का पूरा चांस रहता है। डर लगता है कि कहीं फिल्म की कमान डायरेक्टर के हाथ से निकल ना जाए। लेकिन यहाँ पर यानी कि नीरजा में डायरेक्टर राम माधवानी ने अपना कमांड फिल्म के ऊपर पूरी तरह से बना के रखा है। नीरजा एक सिंपल फिल्म है जिसको देखने में अच्छा लगता है। राम माधवानी की नीरजा 1986 में हुए पैन एम हाईजैकिंग केस के बारे में है। वो फ्लाइट बॉम्बे से उड़ी थी और न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन उस फ्लाइट की हाईजैकिंग कराची एयरपोर्ट पर हो गई थी। उस फ्लाइट की हेड पर्सन थी नीरजा भनोट, जिन्होंने आतंकवादियों के सामने कमाल का साहस दिखाया था। नीरजा उसी साहस को सलाम करती है। राम माधवानी को उनकी पहली फिल्म के लिए पूरे नंबर मिलने चाहिए। फिल्म जब शुरू हुई तो मुझे ही लगा कि सोनम कपूर की एक और सुलाने वाली एक्टिंग से मुझे दो चार होना पड़ेगा, लेकिन जब फिल्म खत्म हुई तो मुझे यही लगा कि सोनम कपूर ने इस बार मेहनत की है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सोनम कपूर आग से निकली और बिल्कुल खरी होकर बाहर आ गई। कई सीन्स फिल्म में ऐसे हैं जहाँ पर उनको 100% मार्क्स मिलने के मौके मिले थे, लेकिन उन सीन्स में उनको मैं सिर्फ 50% मार्क्स ही दूंगा। नीरजा का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है फिल्म का नरेशन। दो पैरेलल कहानियाँ एक साथ चलती हैं। पहली कहानी है सोनम की, जो रात को 1 बजे उठ जाती हैं अपनी पैन एम फ्लाइट पकड़ने के लिए, और उसके लिए वो घर में अपनी तैयारियां शुरू कर देती हैं। दूसरी कहानी है आतंकवादियों की, जो कराची में असलहे वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो फ्लाइट की हाईजैकिंग कर सकें। ये दोनों कहानियां फिल्म के शुरू के लगभग 45 मिनट तक एक साथ चलती हैं और उसके बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि फिल्म में सब कुछ अच्छा ही है। टेक्निकली नीरजा एक थ्रिलर फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं है जिसको देखकर मुझे ये लगा कि मुझे तो थ्रिल मिला। आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा मैं एक और सीन के बारे में बात करूंगा, वो सीन जब फ्लाइट में बिजली चली जाती है, आतंकवादी उसके बाद गोली बरसाना शुरू कर देते हैं और अफरा तफरी मच जाती है, और उसके बाद पैसेंजर्स फ्लाइट से निकलना शुरू कर देते हैं। इस सीन को डायरेक्टर साहब ठीक से समझा नहीं पाए हैं। नीरजा की जो डायरेक्टर है उनका बैकग्राउंड क्या है ये बताना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। इस फिल्म के डायरेक्टर है राम माधवानी, और इसके पहले उन्होंने आमिर खान के लिए उनकी फिल्म तारे जमीन पर में कुछ गाने डायरेक्ट किए थे। बाद में उनको विधु विनोद चोपड़ा ने एक फिल्म बनाने का ऑफर भी दिया था। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन होने वाले थे, फिल्म का नाम था तलीस्मैन, लेकिन कुछ कारणों से वो फिल्म बन नहीं पाए। शायद किस्मत को ये मंजूर था कि उनकी डेब्यू फिल्म नीरजा हो, और क्या शानदार डेब्यू है। नीरजा इंसानी जज्बे के बारे में बात करती है। विपरीत परिस्थितियों में इंसान का जज्बा उससे क्या क्या करा सकता है, यही है कहानी नीरजा की। इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार दूंगा, और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस हफ्ते साहस का नमूना आप अपने नज़दीकी सिनेमाघर में देख सकते हैं, जिसको देखने के बाद आपको मज़ा आएगा।